मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मापिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रूपम प्रभाकर से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। हवन यज्ञ के उपरांत सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने माँ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आंख के अंधों को भगवान दिख भी सकते हैं, लेकिन मन के अंधों को भगवान कभी नहीं दिखते। सत्संग सुनने से जीव के मन में अच्छे संस्कार आते हैं, अर्थात सच्चे मन से स्मरण करने पर परमात्मा जीव की सहायता के लिए अवश्य ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जीव को परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखते हुए भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, कर्म सत्कर्म करना और वाणी को मधुर रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, हैरी शंकर शर्मा, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, बाबा खन्ना, अजीत कुमार, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, मनीष कुमार, संजय, सोनू, नवदीप, उदय, अमन, सुखा, अमनदीप, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, अवतार सैनी, गौरी, केतन शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सौरभ अरोड़ा, सरोज बाला, सुरेंद्र सिंह बाबा, रिंकू सैनी, सुनील जकी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रवीण, राजू, वरुण, दिलीप, लवली, लकी, रोहित, विशाल, अश्विनी शर्मा, रवि भल्ला, जगदीश, पप्पू ठाकुर, बलदेव सिंह, अमरजीत सिंह, प्रिंस, अमनदीप शर्मा, कन्हैया, रजीत कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु मां नव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला तां रातियां दियां बहुत बहुत वधाइयां मां नव दुर्गा जी दे निमित्त। 9 दिन लगातार हवन यज्ञ मां बगलामुखी धाम जी चल रहा। अज तीजे दिन तीसरे नवरात्रे मां चंद्र घंटा जी दे निमित्त हवन यज्ञ च आहुतियां डलियां। उस तो उपरांत मां बगलामुखी जी दे निमित्त मंत्रमाला जाप और हवन यज्ञ च आहुतियां पईयां। शक्ति दे असी सेवक हैं, शक्ति दे असी बच्चे हैं और शक्ति दी असी पूजा करते हैं। और नवरात्रियां दे विच विशेष रूप च मां भगवती दे निमित्त जिहड़े भी हवन यज्ञ हो रहे लगातार सवेरे 6:30 तो 7:30 मां बगलामुखी धाम च उन्हां च सारे सेवादार समेत परिवार पहुँच के हवन यज्ञ च शामिल हो रहे हैं और महामई का आशीर्वाद लै रहे हैं। अज सोने ते सुहागा सी, एक ता गुरुवार सी महामई का दिन बगलामुखी जी का, उस तो अज तीसरी नव दुर्गा जिहड़ी देवी है चंद्र घंटा जी दे निमित्त भी हवन यज्ञ आहुतियां डलियां। नाना प्रकार के जड़िया बूटिया के नाल नाना प्रकार की सुगंधी द्रव्यों के नाल महामई नूं भोग लगे है और महामई के हवन यज्ञ के विच नाम लैके आहुतियां डालियां। मेरे वालों, मेरे समूह सेवादारों वालों, माँ बगलामुखी धाम वालों नवरात्रियां दीआं बहुत बहुत वधाइयां और महामई इदां ही चढ़दी कला रखे और अपना आशीर्वाद दे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 16 मई दिन वीरवार को माँ बगलामुखी जयंती आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालुओं चाह है और महामई के जिहड़ा निमित्त सेवा भाव है वह ठाठा मार रहा। कोई भी माँ भगत आ के उस दिन हवन यज्ञ शामिल हो सकता है और माँ का आशीर्वाद भी ले सकता है।